sing today. ब्लेसिंग टुडे में आपका फिर से स्वागत है। कल के धारावाहिक में जो संदेश हमने सुना उसके अगले भाग के संदेश के साथ में आई हूँ। उम्मीद है कि आप आशीषित हैं, लेकिन उससे पहले आज का ये कार्यक्रम एक बहुत बड़े आशीष बनाने के लिए इसके पीछे कुछ शुभचिंतक हैं। आज के दिन एक शुभचिंतक हैं वड़कांचेरी से सिमी जॉर्ज, उनके लिए हम सब मिलकर प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करेंगे। प्रभु वड़कांचेरी से जो सिमी जॉर्ज के लिए, उनके परिवार वालों के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। उस बहन के लिए, उनके परिवार के सभी लोगों के लिए हम प्रार्थना करने के सारे आशीष आज उन्हें प्रभु, आज आप उन्हें अनुग्रह से भर दें। बेटे प्रफुल्ल और अतुल के लिए हम ये प्रार्थना करते हैं कि उनकी पढ़ाई बड़े तौर पे आशीष पाएं और उनके जीवन में सभी तरह की अच्छाइयां वो प्राप्त करें। उनके बहन निमे के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें एक अच्छा बच्चा दान में दें। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में प्रभु आप उनके लिए अद्भुत कार्य करें। प्रभु वो ये गवाही दे सके कि प्रभु की अद्भुत कार्यों को हमने देखा है। इसके द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। प्रभु हम विनती करते हैं कि आप उनके लिए ये सब कुछ करें। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं, आमेन आमेन। हमारे आज के इस कार्यक्रम को इतनी बड़ी आशीष बनाने के लिए बहन सिमी जॉर्ज को, विशेष तौर पर ब्रदर डायमंड और हम सब लोगों की तरफ से ब्लेसिंग टुडे की कामयाबी के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप बड़े आशीष प्राप्त करें। आने वाले दिनों में आपके प्रार्थना के लिए जो भी विषय है प्रभु, उन सब बातों का जवाब दें। प्रभु आपको आशीष। जुलाई महीने में अचानक एक दिन बेहोश होके गिर गए। ओके, इस भाई का कहना है कि ये अचानक बेहोश होके गिर गए थे। उसके बाद वो पूरी तरह से लेट गए। ओके, जब डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टरों ने कहा कि आपका शुगर, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल तीनों एक साथ बढ़ गया और इसीलिए आप बेहोश होके गिर गए। इस भाई की कहना है कि वो बिस्तर पर लेटे हुए ही उनको सारे काम को करते थे। ओके, और इस तरह अस्पताल लेके गए। 3 महीने तक इनको अस्पताल में जो है रहना पड़ा। उसके बाद इस भाई ने ऐसा कहा, अक्टूबर महीने में 3rd दिन सुबह के समय इनके पत्नी इनको बिस्तर से उठाकर टीवी के सामने जाके बिठाए और फिर टीवी को ऑन करके। ये बात 2013 में हुई थी। हाँ, 2013 अक्टूबर के महीने में। हाँ, अक्टूबर 3 तारीख को आपके पत्नी ने आपको टीवी के सामने बिठाया और फिर टीवी ऑन करने के बाद वो रसोई में अपने काम करने के लिए चली गई। जैसे ही टीवी ऑन हुआ, इस भाई ने जो देखा कि उस टीवी में ब्लेसिंग टुडे टीवी प्रोग्राम चल रही थी। ओके, इस भाई की कहना है कि जीवन में पहली बार टीवी में ब्लेसिंग टुडे कार्यक्रम को देख रहे थे और वो भी इस हालात के कारण ही मुमकिन हुआ। ऐसा ही पत्नी ने वहां पर बिठाया, इसलिए इनको मजबूरन देखना पड़ा। हाँ बिल्कुल, इनका कहना है उस समय जो डायमिन भाई जो वो कह रहे थे ये वो सुन रहे थे। आप कह रहे थे जो हाई बीपी और हाई शुगर के कारण जो भी बहुत बड़ी तकलीफ को झेल रहे हैं उन सब लोगों को आपने कहा कि टीवी की तरफ वो अपने हाथों को बढ़ाए और आपने उन लोगों के लिए प्रार्थना भी किया। ओके, इस भाई ने कहा कि मुझे थोड़ा भी विश्वास नहीं था क्योंकि 3 महीने से मैं बिस्तर में लेटे हुए बहुत परेशानी में थे। सिर्फ यही नहीं, इस कार्यक्रम को पहली बार देख रहे थे। देख रहे, इनके अंदर थोड़ा भी विश्वास नहीं था। सिर्फ जांच करने के लिए इन्होंने अपने हाथों को टीवी के तरफ बढ़ाया, टीवी के सामने इन्होंने हाथ को बढ़ाया। हाँ बढ़ाया, जो भी भाई डायमंड कह रहे थे उनको ये भी दोहरा कर कह रहे थे। ओके, फिर इस भाई का कहना है 3 महीने से पूरी तरह बिस्तर में लेटे हुए ये व्यक्ति उस दिन उस प्रार्थना के बाद जो वो कुर्सी पे बैठे थे वहां से कूद कर उठ गए। क्या सच है बात? हाँ हाँ बिल्कुल सच है बात। सच है। क्या आप बता सकते हैं कि उस समय आपके साथ क्या अनुभव हुआ? हाँ, मैं पहली बार ये कार्यक्रम देख रहा था। उस समय जब आप प्रार्थना कर रहे थे मैंने अपने हाथों को बढ़ाया और उसी समय मैं उस कुर्सी को पकड़कर उठ गया। अच्छा, कुर्सी को पकड़कर आप खड़े हो गए? हाँ, और मैं उस कुर्सी को पकड़कर चारों ओर चला। अच्छा, कुर्सी को पकड़कर आप चले? बिल्कुल, मुझे लगा कि मैं ठीक हो गया और मैं हाथ छोड़कर चला। हाथ छोड़कर? हाँ, उस दिन से मैं हाथ छोड़कर आज तक ठीक तरह से चल रहा हूँ। 2013 में? क्या हाँ, अभी आप काम पे जा रहे हैं? हाँ मैं जाता हूँ और घर में जो काम है मैं करता हूँ।
पिछले 2 साल से इनको कोई भी कमजोरी नहीं है। मैंने पूछा कि कभी भी इस बीच में आप फिर से जांच के लिए गए थे? इनका कहना है कि पिछले 2 सालों के बीच में, सिर्फ पिछले 6 महीने के बीच में एक बार इनको अस्पताल तक जाने की जरूरत पड़ी, और उस दिन की जांच में इनको पता चला कि पूरी तरह से चंगा हो गए हैं। इनका शुगर, इनका प्रेशर, इनका कोलेस्ट्रॉल सब संतुलन में आ गया था। प्रभाकरण से प्रभु यीशु मसीह प्रेम करते हैं, उनके तकलीफों को देखकर उनको चंगाई दिया है। Allow the outward circumstances to influence you more. इसलिए बाहरी परिस्थितियों को आप पर हावी होने के लिए अवसर मत दीजिए। भाई, मेरे साथ जो भी पढ़ते थे सबका शादी हो गई। बोलिए। मेरे साथ जो भी पढ़े थे उनकी शादी हो गई। मेरा नहीं हुआ। और मेरी नहीं हुई। जिंदगी खत्म हो रही है। अब होने वाली है। मेरे प्रभु, प्रार्थना डायरी में लिख के भी कोई फायदा नहीं। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन, 2 हफ्ता, 2 महीने या फिर 2 साल भी हो सकता है। 2 दिन, 2 हफ्ते, 2 ही साल क्यों ना लगे, ये बड़ी बात नहीं। I tell you, the better thing is your life in Christ. आपका मसीह में जीना ही सबसे बड़ी बात है। Even if you have everything in abundance in this world and you are missing your life in Christ, you miss everything. आप इस भूमि पर समस्त ऐश्वर्य के साथ क्यों ना जिएं? यदि आपका मसीह का जीवन नष्ट हो गया तो सब नष्ट हो जाएगा। एक और बार तालियों के साथ आइए, प्रभु की स्तुति करें। Then he says, I am writing to the holy people in Colossae. पौलुस बोलते हैं कि मैं कोलोसे के पवित्र लोगों को लिख रहा हूँ। What people? किस प्रकार के लोग? पवित्र लोगों को। In the church of Colossae, all the members were saints. कोलोसी के समस्त अंग, समस्त विश्वासी पवित्र थे। A digestion problem, I know. जानते हो, ये बस विश्वास की समस्या है। According to Paul, पौलुस के अनुसार, everyone, brother or sister, slave or master, in the church, if you are in Christ, is a holy man, holy woman, in other words, you are a saint. पौलुस की भाषा में, चाहे ब्रदर हो या सिस्टर हो, चाहे दास हो या मालिक क्यों ना हो, आप मसीह में पवित्र हैं। The Bible calls you a saint. बाइबल भी आपको पवित्र नाम से पुकारती है। ब्रदर, यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग थ्रू माय हेड। ब्रदर, मेरे दिमाग में क्या हो रहा है आपको पता नहीं। एटलीस्ट 5607 डर्टी थॉट्स आर कमिंग इनटू माय हार्ट। ब्रदर, एक दिन में 5,000, 6,000, 7,000 व्यर्थ की सोच मेरे दिमाग में है। अगली थॉट्स आर कमिंग। घृणित सोच पनप रही है। When I worship the Lord, यहोवा की आराधना करते समय भी, dirty thoughts are coming. कभी-कभी गंदी सोचें आती हैं। I have anger in my heart. मेरे मन में क्रोध है। Sometimes revengeful attitude. कभी बदले की भावना आती है। I know I am not a saint. मैं पवित्र नहीं हूँ। But the Bible still calls you a saint. लेकिन बाइबल आपको अभी भी पवित्र नाम से पुकारती है। So many people, even after their salvation experience, कई लोग अपने उद्धार के एक्सपीरियंस के बाद भी, they still pray, तब भी वो प्रार्थना करते हैं, Have mercy on me, the sinner, the great sinner. यहोवा, मुझ जैसे पापी पर करुणा करना, दया दिखाना। But do you know a secret? आप एक रहस्य जानते हैं? Do you know a formula? आपको एक फार्मूला पता है? This formula says, यह फार्मूला ऐसा है कि sinner, एक पापी प्लस the savior, उद्धारकर्ता is equal to, equal to a saint. संत। My question, मेरा प्रश्न है, even after receiving Jesus, if you are still a sinner, what is the need of the savior?
यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करने के बाद भी आप पापी हैं तो उस मुक्तिदाता की क्या जरूरत है? I don't want that kind of a savior. ऐसा मुक्तिदाता नहीं चाहिए मुझे। If this is Jesus, यदि ये यीशु है तो if I am a sinner, मैं भी तो पापी हूँ। When I receive Jesus into my heart, जब मैंने यीशु को अपने मन में स्वीकार किया, I become a saint. तो मैं पवित्र हो गया। All my sins are taken away. मेरे सारे पाप क्षमा कर दिए गए। Hallelujah. Not only that, सिर्फ वही नहीं। The holiness of Jesus is imputed on me. यीशु की पवित्रता मुझ में उद्धार उत्पन्न किया गया। Hello. Hallelujah. It is attributed into my life. वो मुझ में मेरे स्वभाव में समावेश हो रहे हैं। Still I have shortcomings in my life. उसके पश्चात मेरा जीवन बलहीन है। I am only growing. मैं केवल बढ़ रहा हूँ। But still. परंतु फिर भी। Bible calls you a saint. बाइबल आपको पवित्र के नाम से बुलाती है। Why? Because Jesus is there in your life and you are in Christ. आप यीशु में हैं और मसीह में जी रहे हैं इसलिए। See, when you go to God, जब आप यहोवा के करीब जाते हैं, you are not going alone. तो आप अकेले नहीं जा रहे हैं। If you're going alone, यदि आप अकेले जाएंगे, some angels will come and chop you down. कोई स्वर्ग दूत आकर आपको मार डालेगा। But you are going to God the Father with the Savior Jesus. पर जब आप परमेश्वर के पास जाते हो वो भी मुक्तिदाता यीशु मसीह के That's साथ why Jesus said, इसलिए यीशु ने when कहा you pray, प्रार्थना के समय pray in my name. मेरे नाम से प्रार्थना करना Hallelujah. Hallelujah. If you take my name, यदि मेरा नाम लोगे you will be accepted. आप स्वीकारे जाएंगे Hallelujah. So, we are not alone. हम अकेले नहीं If there are shortcomings in our lives, हमारे जीवन में कमजोरियां हैं तो Jesus is always with us, यीशु मसीह हमारे साथ to हैं rectify it, और ठीक to करने cleanse us, हमारे शुद्धिकरण के लिए improvement, हम में सुधार लाने के लिए progress, हम में विकास लाने के लिए Is that clear? आई बात समझ में Hallelujah. Hallelujah. So even when you are alive in this world, इस दुनिया में आपके जीवित रहते समय ही and when you are connected to the body of Christ, और जब यीशु मसीह के समुदाय में रहते हैं and when you are in Christ, और जब आप यीशु में हैं you तो are a holy man. आप एक पवित्र आदमी हैं you are a holy woman. आप एक पवित्र नारी हैं this is not exaggeration or this is not just figurative language use. ये अलंकृत बोल रहे हैं ना ही बड़ा चढ़ा के बोल रहे It is a fact. हैं ये यथार्थ है It is a truth. ये सत्य It is है a fact. ये यथार्थ है truth. ये सत्य है you are the saint living today. आज आप ही वो पवित्र आदमी हैं Then Paul says, I'm writing this to the holy people, the saints in Colossae. पौलुस बोलते हैं कुलसे के पवित्र भाइयों के नाम ये लिख Then he रहा says, I'm writing to faithful brothers in Christ. फिर वो कहते हैं मैं मसीह में विश्वासी भाई को लिख रहा हूँ That means there are two kinds of our brothers and sisters in Colossae. इसका अर्थ है कुलुसा में दो प्रकार के मसीही भाई और बहन हैं Faithful ones, एक है विश्वासी and the unfaithful one. दूसरे अविश्वसनीय विश्वासी and the unfaithful ones. और अविश्वसनीय Who are the faithful ones? कौन है विश्वासी The faithful ones stands for Jesus, come what may. जो विश्वासी हैं चाहे कुछ भी हो जाए यीशु के लिए खड़े रहेंगे एक और बार कहिए जो विश्वासी हैं वो चाहे कुछ भी हो जाए यीशु मसीह के लिए खड़े रहेंगे ये जो विश्वासी जन हैं चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन यीशु मसीह के लिए खड़े रहेंगे Oppositions may come, विरोध आ सकता but है they still stand. पर वो खड़े रहेंगे Poverty may come, गरीबी आ सकती but they still stand. है वो फिर भी खड़े रहेंगे Hallelujah. You understand what I'm saying? मैंने जो कहा आप समझे? Faithful brothers and sisters, they always stand firm for Jesus, come what may. विश्वासी मसीही भाई या बहन जो है चाहे उनके जीवन में कोई समस्या आए वो यीशु मसीह के लिए दृढ़ खड़े रहेंगे Brother, after coming to Blessing Today meetings, ब्रदर ब्लेसिंग टुडे मीटिंग में आने के बाद माय नेबर्स आर नॉट स्माइलिंग एट अस मेरे पड़ोसी मुझे देखकर नहीं हंस रहे हैं यू डोंट नो वी वर लाइक वन फैमिली
हम एक ही फैमिली समान रहते थे। But for the last four weeks they are not smiling. पिछले चार हफ्तों से मुझे देखकर हंस नहीं रहे। Every morning they used to bring us puttu idiyappam for breakfast. हरे गए। हर रोज सुबह वो इडियप्पम और पुटू लेकर आते थे। Parcels and parcels of blessings were coming from our neighborhood. अनुग्रह का पार्सल मुझे यूं मिल रहा था। No, idiyappam. अभी इडियप्पम नहीं। कोलालप्पम. और कोलालप्पम नहीं। कुछ भी नहीं आ रहा। We are going back. हम लोग वापस जा रहे हैं। That's not faithful ones. वो अविश्वसनीय है। Even if I don't get idiyappam or puttu or anything in this world, I will still stand for Jesus. इस दुनिया में यदि मुझे पुट्टू इडियप्पम नहीं मिला तो भी मैं यीशु मसीह के लिए खड़ा रहूंगा। They are the faithful ones. वही विश्वासी हैं। When adversities come, जो अत्याचार होता है तो go back. अब पीछे मुड़ नहीं पाएंगे। Touch somebody. बगल में किसी को छू के देखिए और उनसे बोलिए यदि आप विश्वासी हैं तो आप में रिवर्स गियर नहीं है। हाथ उठाकर बोलिए क्योंकि मैं एक विश्वासी हूँ। क्योंकि मैं एक विश्वासी हूँ। मेरा रिवर्स गियर नहीं है। मेरा रिवर्स गियर नहीं है। पास में जो बैठे उनसे कहे कि मेरा गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। मेरी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। विश्वासी हूँ। मैं विश्वासी हूँ। मेरी गाड़ी सिर्फ आगे ही जाती है। मेरी गाड़ी सिर्फ आगे ही जाती है। जल्दी बोलिए। मेरे गाड़ी को पीछे चलाने के लिए ना कहें क्योंकि मेरा गाड़ी बैलगाड़ी जैसा है। हालेलुया। एक आदमी जब बैलगाड़ी के साथ जा रहा है तो एक राजा का रथ आ रहा है। राजा के नौकर आके कहेंगे कि गाड़ी को पीछे की तरफ निकालो। बैलगाड़ी वाला उतरकर ये कहेगा कि चाहे राजा हो या फिर उससे भी बड़ा व्यक्ति हो, ये बैलगाड़ी पीछे नहीं जाएगी क्योंकि इसका रिवर्स गियर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। You are like that. आप भी उसी समान हैं। So in Colossae there were some faithful ones. कुलसे में कुछ विश्वासी भाई बहन थे। I'm writing to them. मैं उन्हें लिख रहा हूँ। Is that clear? समझ गए ना? Verse number three. वचन तीन। We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. हिंदी में तीसरा वचन है, हम यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। And it is said that God our Father and the Lord Jesus Christ. वहां कहा गया है हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। Meaning there are two persons there. वहां दो व्यक्ति हैं। One is the Lord Jesus. एक प्रभु यीशु मसीह हैं। And the second is the Father of the Lord Jesus. और दूसरा है यीशु मसीह के पिता परमेश्वर। So there are two persons there. वहां दो व्यक्ति को देख सकते हैं। Second John 1:3. दो यूहन्ना अध्याय एक के वचन तीन। Grace, mercy and peace from God the Father and from Jesus Christ, the Father's Son, will be with us in truth and love. अध्याय दो का तीन। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और दया और शांति सत्य और प्रेम सहित हमारे साथ रहेंगे। Again, there are two persons. One is the Father. वहाँ भी दो व्यक्ति हैं, एक पिता। The second one is the Son. दूसरा है पुत्र। John chapter 3 verse number 16. यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय वचन 16. And that is the golden words of the Bible. वो बाइबल के स्वर्ण वचन के नाम से प्रसिद्ध है। God so loved the world that he gave his one and only son that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। और अब प्रार्थना का समय है, लेकिन प्रार्थना करने से पहले हम जानते ही हैं कि अब दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बुरी तरह से एड्स की बीमारी से पीड़ित हैं। इसलिए खास तौर पर ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करने की एक विशेष जिम्मेदारी आज प्रभु ने हमारे जीवन में हमें दिया है। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। हो सकता है कि आपके परिवार में किसी को भी ये बीमारी ना हो, या हो सकता है कि आपके जान पहचान में किसी को ये बीमारी हो, चाहे हो या ना हो। हम सब मिलकर इस दुनिया में जितने भी राज्य हैं और उसमें जितने भी लोग रहते हैं, उन सब के बीच में इस बीमारी से पीड़ित जो हजारों लोग हैं, उनके लिए हम आज प्रार्थना करने जा रहे हैं। हम मिलकर प्रार्थना करेंगे हमारे प्रभु। हम सब एक साथ मिलकर इस वक्त एड्स की रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे।
प्रभु, इस बीमारी की बुरियों से भरकर पूरी तरह से पीड़ित इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, ऐसे लोग हैं जो आज अकेलेपन में जी रहे हैं। प्रभु, आज आप उनको स्पर्श करें, पूरी तरह से उन्हें चंगाई दें, उनके आंसुओं को पूरी तरह से पोंछ दें, उनके हृदय में जो दर्द है उसे पूरी तरह से हटाएं। यीशु मसीह, उनके बीमारी के बिस्तर के पास जाकर पूरी तरह से आप उनका स्पर्श करें। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं कि आज उनको बड़ी तसल्ली दें। आज अगर इस बीमारी से पीड़ित कोई भी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो इतना करना है वो ये है कि दिल से प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकार कर प्रार्थना करना है। इस बात पर विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह के एक बूंद लहू काफी है आपको पूरी तरह से चंगा होने के लिए। उस एक बूंद लहू से आपके शरीर के सारे कमजोरियां, सारी बीमारियां, सब कुछ हटाकर प्रभु आपको चंगा कर सकते हैं। आपके खून को वो पूरी तरह से साफ कर सकते हैं। इस बात पर विश्वास करें। यीशु मसीह के नाम से कुछ बच्चे आज चंगाई प्राप्त कर रहे हैं, कुछ बड़े लोग भी चंगाई प्राप्त कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आपने गलतियां की हैं, तो उन सारी गलतियों को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में समर्पित करके इसी वक्त क्षमा मांग सकते हैं। अगर आप ऐसा प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से, इस वक्त एक सामर्थ आपके जीवन में आ रहा है। यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त वो बीमारी पूरी तरह से चंगा हो जाए। एड्स के कारण जो बहुत कमजोर है, अभी इसी वक्त आप उठ जाएं। यीशु मसीह का नाम पुकार के आप उठें। प्रभु, आपकी ये चंगाई ठीक इसी समय प्रभु इन लोगों के जीवन को बदल डालें। यीशु मसीह के नाम से मौत के इस हालत को इस वक्त हम पूरी तरह से बदल रहे हैं। आपने किया उसके लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम को जो देख रहे हैं उनमें से कुछ लोगों के गले में दर्द के साथ एक ऐसा व्यक्ति है जो बात भी नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु उनको चंगाई दे रहे हैं। उनका नाम लतिका है। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय लतिका नामक इस व्यक्ति को प्रभु इस समय पूरी तरह से चंगाई दे रहे हैं। थैंक यू जीसस। ठीक उसी तरह एक व्यक्ति जो हमेशा सर दर्द से पीड़ित है उन्हें चंगाई दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। वो सर का दर्द इस वक्त पूरी तरह से बदल रहा है। सर में इस दर्द के कारण आपको सुबह देर से उठना पड़ता है। इतना ही नहीं, आप खाना भी ठीक तरह से नहीं खा पाते और सुबह जो खाना आप खाते हैं उसे भी आप उल्टी कर देते हैं। अब यीशु मसीह के नाम से इस तरह के व्यक्ति को प्रभु इस वक्त पूरी तरह से चंगा कर रहे हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड में जो कमजोरी है उसे अभी यीशु मसीह के नाम से वो चंगा हो जाए। अब प्रोस्टेट ग्लैंड की समस्या इस समय पूरी तरह से चंगा हो जाए। आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। उसी तरह जमाल गोटे की बीमारी से जो पीड़ित हैं वो प्रभु उन्हें चंगा करें। आप इस बात से बहुत परेशान हैं, प्रभु यीशु मसीह सुवत्तर अपने हाथों से आपको पूरी तरह से छू रहे हैं। कुछ छोटे बच्चों को प्रभु चंगाई दे रहे हैं, छोटे बच्चे जो कुछ महीनों के हैं, कुछ बच्चे जो 3 या उससे कम महीनों के हैं, ऐसे बच्चों की पेट से संबंधित जो भी बीमारी या कमजोरी है उस विशेष कमजोरी को प्रभु इस वक्त उसे चंगा कर रहे हैं। प्रभु हर एक व्यक्ति जो बीमार है उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हो सकता है आप अपनी बीमारी के कारण हमें बताया नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह के नाम पर जब हम प्रार्थना करते हैं उसी वक्त प्रभु आपको पूरी तरह से चंगा करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त वे सब लोग पूरी तरह से प्रभु आज ही वे चंगा हो जाए। आपने चंगाई दी उसके लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मानते हैं, आमेन आमेन। कल के कार्यक्रम के द्वारा कल हम फिर मिलेंगे। बाय बाय।